मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी अगली वीडियो के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शामिल रहे. इट्स गोना बी अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो आपके माइंड में मेरे प्रति जो भी सवाल है वो आप वीडियो के फॉर्म में मुझे पूछ सकते हैं. सो आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है जहाँ आपका नाम बता रहे हो, आप कहाँ से हैं, और फिर आप अपना सवाल पूछिए. ट्राई करिएगा कि आपका वीडियो का जो फॉर्मेट हो वो वर्टिकल फॉर्म में हो. इट बी इजियर फॉर अस टू स्टिक इट टू द साइड ऑफ द पेज. एंड आई एम ऑल्सो गोना रिएक्ट टू ऑल ऑफ माई ओल्ड टिकटॉक वीडियोज इन द सेम क्लिप. सो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं. एंड आई विल ट्राई टू फीचर एज मेनी वीडियोस एज आई कैन. ट्राई टू आस्क अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस, एनी रैंडम थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड अबाउट मी, अराउंड मी, पूछ सकते हैं आप. आई एम फाइनली वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम, और ये सब पॉसिबल था आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से. इंस्टाग्राम के ब्लू टिक के रिलेटेड ना कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों के माइंड में है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ. पहला तो ये कि उन्हें लगता है कि इंस्टाग्राम हमें पैसे देता है, मेरे पास तो नहीं आए. और दूसरा कि आपके ब्लू टिक आ जाने के बाद सारे सेलिब्रिटीज आपको रिप्लाई करते हैं. नहीं करते है. मैंने करके देखा. वेल, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मुझे कैसे मिला. सर हेलो. हाँ, कान से सुनता हूँ, बोलो. सर इंस्टाग्राम वेरीफाई करवाना था. किधर पे आया? सर आपका ऑफिस यही है ना? कौन हूँ मैं? व्हाट्सएप. व्हाट्सएप हूँ मैं. इंस्टाग्राम का क्या वेरिफिकेशन इधर थोड़ी होता है ये सब. सर मुझे लगा आप एक ही ऑफिस में. सब इधर पैदा हुआ, व्हाट्सएप से सब आगे गया है. जी सर बिल्कुल. उधर जाओ, उधर. वहाँ? हाँ वहाँ. थैंक यू सर. वहाँ क्या, वहाँ किधर जाएगा तू? किससे मिलेगा उधर? आप बोले ना वहाँ पे. हाँ तो वैसा किधर भी बोलेगा तो मैं तो बोलेगा इधर कुआ, उसमें कूदो. कूदेगा क्या? एक काम करो, आप उधर जाओ ब्लू हाउस में. ब्लू हाउस कौन है? फेसबुक सर. हाँ बराबर. थैंक यू सर. जाओ एक मिनट रुको, कैसे जाएगा रास्ता मालूम है क्या? सर ढूंढ लूंगा. क्या खाली लॉगिन आईडी से क्या फेसबुक में चले जाएगा क्या तू? नहीं सर, इधर का अलग है सब कुछ. जय किशन, इनको लोकेशन पे लेके जाओ. थैंक यू सर. थैंक यू होंगे कुछ नहीं. फेसबुक सर. अंकल फेसबुक. सर माई सेल्फ आदिल, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. एक काम था आपसे सर. आई आई बैठी. यस टेल मी व्हाट यू वांट. सर मैं कंटेंट क्रिएटर सर, मैं वीडियोस बनाता हूं. ओ सर डोंट टेल मी ऑल दैट, आई डोंट बिलीव इन कंटेंट क्रिएटर. आई एम ऑल दैट बुलशिट. ओके सर. सर वेरीफाई करवा. बिकॉज़ यू नो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, कीप यूट्यूब, दे यूज्ड टू यूज मैसेंजर बिफोर, दे यूज्ड टू अपलोड पिक्चर. यस सर. फ्रॉम करोल बाग एंड एवरीवेयर दे यूज्ड टू डू दैट. Yes, sir. But now it's like you do what? DM. DM sir, DM. But for call thing you do, yeah, that's bullshit. Sir. Yeah. Sir, Instagram पे खुद को verify करवाना था. Sir, blue tick चाहिए था. Oh, blue tick you want? हाँ sir. Nice. I was a little unwell these days. Sir, news में पढ़ा था कि आपकी थोड़ी तबीयत down थी कुछ. Yeah, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी. क्या हो गया था sir? ज़्यादा like खा लिए थे मैंने. It was you know comments and all was. So. लाइव जाने में प्रॉब्लम हो रही थी. ओके ओके ओके. नो माय सर्वर वाज डाउन कंप्लीटली. पता चला सर. या सर मेरा काम वेरिफिकेशन. जी सर. सो फॉर दैट वी नीड टू डू वन थिंग. हां सर. क्यों ना हम ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दें? व्हाट? फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक करना पड़ेगा. ओके सर मैं कर लूंगा. कहां होता है सर? आ जा इधर. आ जा लिंक हो जाएगा. ऐसे हो जाएगा सर? हो गया यार. हो गया लिंक. हो गया. हो गया लिंक. वेरिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा भी. वो कैसे होगा सर? वो इंस्टा पाजी के पास चले जाएंगे यार. इंस्टा. ओके. बट आई माइंड यू इज वेरी मूडी. मूडी बहुत मूडी है. दिमाग खराब है उनका. वो बहुत क्रेजी हो रखे हैं इस वक्त. मैं देख लेता हूँ उनको. हाँ लिसन टू मी नाउ. वो सब करना पड़ेगा. थैंक यू सर. ठीक है ठीक है. ओके सर. कभी फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कर यार. हाँ सर अच्छा लगता है ऐसे. चल ठीक है. Yes.
सर मेरा नाम आदिल है और मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ सर। आपका एप्लीकेशन बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ सर, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना था। वाओ, यस, अमेजिंग। जी सर, जी अमेजिंग, जी गुड, जी थैंक यू सर। डबल टैप ऑन यू, टेल मी। तो सर क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या लाइक एम आई एलिजिबल फॉर द ब्लू टिक? डिपेंड्स ऑन व्हाट एवर यू आर डूइंग ऑन इंस्टाग्राम। सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मैं कॉन्टेंट, डोंट गिव मी दैट बुलशिट, हार्ड वर्किंग एंड ऑल दैट। Did I ask you to work hard? Did like Instagram ask you ke, you know, you should work hard? No. Okay sir. But I do. And मैं actively everyday videos बना रहा हूँ sir. And I'm making pure content. मैं original ideas ला रहा हूँ. What? Don't give me this content and all that. Instagram is all about bullshit. Do you do trends? Sir. कभी कभी करता हूँ पर वो थोड़ा एम्बेरेसिंग हो जाता है सर, मेरी पर्सनालिटी के साथ ना वो सर। Then you know just go to some other app. Don't give me all this whatever you're giving it to me. It's doesn't gonna count. You know you should born on Instagram. You know. जी सर। Yeah. As in what do you do besides this? इसके अलावा क्या करता है तुम? सर, I did my graduation in commerce and then I did my masters in advertising. I don't need that information. Oh, okay. Please. जी जी. Unsend this right now. Okay. Done. What else you do? You have a girlfriend? नहीं सर. Like with a nice booty? नहीं सर. मेरी तो girlfriend ही नहीं है सर. Girlfriend कहाँ से होगी? Like do you work out? सर थोड़ा थोड़ा try करता हूँ सर. मतलब ऐसे रोज नहीं कर पाता. So what exactly do you do? सर I'm an actor. I act, I've done a lot of movies and serials and mere sath articles bhi hai. Give me some gossip. Controversy. Some controversy. Give me some controversy. Nahi sir, galat articles nahi hai sir. Kuch galat nahi kiya kabhi. Yeah. Oh God. Give me some nice content. Sir. You know, some controversies. Any article, something. सर मेरे कुछ दोस्त है उन्होंने कांड किया है बट मेरा कभी नाम नहीं आया उसमें सर। No sir, but it's a very very good app sir. It has potential. I know. Don't tell me it is a very good app. It is a good app. That is why you are here. That is why you are asking for a blue tick. Yes sir. You are asking for a blue tick, right? Yes sir. सर मैं किसी और के पास भी नहीं गया सर, मतलब मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप शेट्टी साहब के पास जाओ बट मैं सीधा आपके पास आया सर। You are doing everything wrong. You're sitting here, you should go to sitting. Go to sitting. Okay sir, sure. Sir, anything else that and I can don't badmouth Instagram, okay, ever. I see a lot of content creators talking about ke, you know, there is just trends happening, Instagram promotes trend, Instagram algorithm is fuck all. No. If the content is good, you will get a double tap. Sir, I disagree, sir. Sorry. What? 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 Sir, I disagree with what you said. Sorry. Why? सर ऐसा है कि आप लोग कहते हो कि ज़्यादा वीडियोस डालो तो रीच आएगी, हम रीच के लिए मेहनत करते हैं तो सर एंगेजमेंट ड्रॉप हो जाती है क्योंकि हमारी क्वालिटी गिर जाती है हमारे कंटेंट की, और अगर हम क्वालिटी मेंटेन करने जाते हैं तो हम वीडियोस ही नहीं बनाते। क्या हम दिन में खाली वीडियोस बनाते रहे? हमारी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम घर का ध्यान रख रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, सोशल लाइफ है ही नहीं हमारी क्या? तुम्हारे इंस्टाग्राम में खाली झकमा दे रहे हैं हम ऐसे 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 वीडियो करके, मजाक उड़ा खुद का हम तुम्हारे ब्लू टिक के लिए, ये कहने के लिए कह रहे हैं आप हमसे किड्स आपका एल्गोरिथम हर 3-3 महीने में बदलता है? अरे हमारा सिलेबस 3 साल में बदलता है, तुम अपने एल्गोरिथम 3-3 महीने में बदलते हो और बताते भी नहीं हो कि कैसे अपना एल्गोरिथम बदल रहे हो, पागल हो गए तुम लोग? कोई ऐसा ना तुम्हारा नोट है ना कोई एड्रेस है, मैं 3-3 लोगों से गाली खा के आ रहा हूँ, पहले व्हाट्सएप अंकल ने मुझे चिल्लाया, फिर फेसबुक वाले अंकल ने मुझे चिल्लाया और अब मैं यहाँ आके बैठा हूँ। ये कोई तरीका है आपका? मतलब हम कहाँ जाएं, हम क्या करें? पैसे नहीं कमाए हम, ब्रांड्स हमें बोलते हैं आपकी एंगेजमेंट नहीं आ रही है, ऑडियंस हमें बोलते हैं आपकी वीडियो नहीं आ रही है, और घर वाले बोल रहे कि बेटा पैसे नहीं आ रहे। मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं, आप बताओ ना सर, अब मैं करूं क्या? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू।
Listen to me now. What is your engagement rate? How many people comment on your picture? So more than 100 per post. That's nothing, my boy. Make more videos. How many videos do you post in a day? Sir, I try my best to almost post one video daily. But वो अच्छी होगी sir. मैं मतलब proper सोच के script बनाकर और मैं shoot करता हूँ. That's all. You don't need that script. We watch films for the script and all. So don't create good content over here. Don't try to be that nice person that I don't do anything but I put efforts and all that. Sir, आप क्या कह रहे हैं? It is for fun. This Instagram is for fun. You guys just keep showing your fun to the app. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा आपने verify कर दिया ऐसे तो कुछ बनाते भी नहीं सकते. How do you know? How can you point finger on me? My app, my rules, okay? My table, not your hands. What is your name? So myself Adil Khan. No, your ID bro, ID. Adilkhan.official. What is so official about it? Sir, इतनी पुरानी ID है कि मैं ही भूल गया क्यों रखा था. And do you do all that cake murder? What? Cake murder? In bio? No, sir. No cake murder? No murder. I have taken all your information. हाँ sir. I will let you know. Sir, आप call करेंगे कि notification आएगा? I said I'll let you know. I will not. IGTV वाले कहाँ हैं? उनसे भी जरा बात करनी थी. मेरी इतनी बड़ी वीडियोस ना कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गई. The door is there. Bye. Bye sir. सर आप देखना है. तो आपने मेरे और इंस्टाग्राम वाले भैया के कॉन्वर्जेशन से जान लिया होगा कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं है वेरिफिकेशन के ऊपर. बट इनकी बातों बातों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरी जहन में अटक गई. वो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें से पहला ये कि उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि इसके अलावा क्या करता है तुम. ये स्टेटमेंट काफ़ी यूजफुल साबित हुआ. वेल, ये आपके ब्लू टिक पाने के चांसेस काफ़ी बढ़ा देता है इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन एनी ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, या तो एक्टिंग, या तो डांस, या सिंगिंग, या आप किसी टैलेंट शो से आ रहे हो, या आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, फिल्म, सीरियल, टीवी सीरीज, वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, एड, टीवी कमर्शियल्स, यू कैन डू एनीथिंग. इसका कंक्लूजन यही था कि क्या आपने सोशल मीडिया में क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसरशिप के अलावा किसी और प्रोफेशन में भी कुछ हासिल किया है. In my case, I am an actor since a very long time, so that helped. दूसरी बहुत important चीज जो मुझे उस conversation से मिली और वो ये any article, something की news articles. Well, आपका PR बहुत matter करता है for you to get verified on Instagram, because अगर आप apply करते हो verification के लिए तो Instagram ये भी देखता है कि आपकी social media standing क्या है, आपका current PR status क्या है, आप किस चीज के लिए known हो, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द सोशल सोसाइटी. एंड और ये चीज़ भी थोड़ा मैटर करती है कि आप दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वेरीफाइड है या नहीं. और ये कैसे साबित होगा? जब आपके नाम से कोई प्रेस रिलीज, कोई न्यूज़ आर्टिकल छपा हो. तो ये पूरा खेल लिंक्स का है. तीसरी चीज़, यू आर सिटिंग हियर, यू शुड गो टू सिटिंग. गो टू सिटिंग. आपके इंस्टाग्राम के सेटिंग्स में ही रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, जहां पे वो आपसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, कुछ लिंक्स भी मांगेगा, और आपको आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है और अप्लाई कर देना है. अगर आप रिजेक्ट होते हो तो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो सीधा ब्लू टिक आ जाएगा. वेल, इसके अलावा अगर आपको किसी और कलीग से या किसी दोस्त से टेक्निकल सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है. दे विल हेल्प यू टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेस रिलीज और न्यूज़ आर्टिकल्स और समवन हु माइट नो in the team of Instagram and Facebook. So I think that was it. That's how I got verified on Instagram. And हमने ये वीडियो purposely थोड़ा सा entertaining रखा information के साथ साथ. So क्या करें, YouTube है, यहाँ ऐसे ही चलता है. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो. Special thanks to Kushal bhai for his tremendous performance and being a part of the video. It means a lot to us and to my team Fahad and Rahil for creating and editing and thinking the whole video and executing it as well. So aaj ke liye itna hi. Ye sab bolna to matlab lazmi hai ki channel ko subscribe kariye, is video ko like kariye, aur
अगला टारगेट इंशाल्लाह यूट्यूब पे वेरीफाई होने का है. सो कैसे होगा वो हम नहीं जानते, बट जब हो जाएंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे. हाउ डिड आई गेट वेरीफाइड ऑन यूट्यूब. मिल गया नेक्स्ट कंटेंट. हो गया हमारा कट.